मेटामॉर्फोसिस फर्स्ट आ कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ मैटामॉर्फोसिस इन स्टार्स एडवाटेजि ऑफ मैटामॉर्फोसिस डिसएडवाटेजि ऑफ़ मैटामॉर्फोसिस दैन हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मैटामॉर्फोसिस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटामॉर्फोसिस सो फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ मैटामॉर्फोसिस तो स्टूडेंट्स अगर हम सिंपली देखें मैटामोरफोसिस है क्या मैटामीन मल्टीपल ज्यादा मॉर्फोसिस मीन शेप्स सो मीन्स मेटामोरफोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एनिमल डिवेलपमेंट के दौरान डिफरेंट शेप्स अटेन करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मेटामोफोसिस कहेंगे तो उसकी प्रॉपर यह डेफिनेशन हमारे पास होगी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अबरब अबरप्ट मीन वेरी शार्प अबरब मॉरफोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस फ्राम ए मेचोर स्टेज टू द मैचोर स्टेज फ्राम बेसिकली ये क्या है कि डिवेल्पिंग स्टेज हैं जिसमें एक एनिमल जब एग से लेकर अडल्ट तक बनने तक जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस हैं उसमें डिफरेंट अब्रप्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से गुजरता है तो उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं मेटामॉर्फोसिस बेसिकली बहुत सारे एनिमल्स के अंदर जो है वो होती है स्पेशली इन्वर्टिड्स के अंदर ये बहुत कॉमन है इनवर्टिड मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स में एटी नाइनटी परसेंट इंसेक्ट्स जो हैं देडर गो मेटामॉर्फोसिस इसी तरह से हमारे पास मोलोसेक्स मोलोसेक्स के अंदर जो है वो हमें मिलेगी इस तरह से क्रस्ट्रेशन के अंदर हमें मिलेगी नाइडेरिया के अंदर हमें मिलेगी ट्यूनिकेट्स समफिश दे आल्सो हैव एंड इवन द एम्फीबियन तो अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो समिशिज एन एमफीबियन देव मेटामोस जबकि मोस्ट ऑफ द इन वर्टिब्रेट देर गो मेटामोफोसिस सो मेटामोफोसिस के अंदर आमतौर तो पर एनिमल डिफरेंट पोजिश से गुजरता है और हर स्टेज को हम आमतौर तो पर इन स्टार का नाम देते हैं सो इन मेटामॉर्फोसिस द एनिमल अंडरगो आ सीरीज़ ऑफ चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस। तो डिफरेंट जब मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस से एनिमल पास ऑन होता है एंड दीज सीरीज़ ऑफ़ मार्फोलॉजिकल स्टेजेस दे आर कॉल्ड एज द इन स्टार्स यानी एक इसमें अगर हम थोड़ा सा देखें जैसे हम जानते हैं कि मेटामॉर्फोसिस में एक जनरल पैटर्न हम स्टडी जब करते थे एग एग से लारवी लार्वी से प्यूपा प्यूपा के बाद अडल्ट बन रहा है लेकिन अगर हम बात करें तो जो लार्वी है लार्वी इट्स शुरू में स्मॉल लार्वी है उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा उसके बाद मजीद बड़ा होगा उसके बाद मजीद बड़ा होगा तो लार्वल स्टेज भी के अंदर भी एक ग्रेजुअल चेंज मौजूद है तो हर साइज के लार्वी को हम एक इन स्टार का नाम देंगे तो इस तरह से सो देयर आर डिफरेंट इन स्टार इवन इन द सेम जो मॉर्फोलॉजिकल अपीरस के अंदर भी मौजूद है सो एवरी मोल्ट जब एक एनिमल एक स्टेप से अगले स्टेप में जा रहा है यानी कि स्मॉल लालवी से लार्ज लारवी बन रहा है तो हम कहते हैं कि एक मोल्ट जो है उसने क्रॉस किया एक मोल्ट जो है उसमें क्या हुआ है किसको कंप्लीट किया है सो विद एवरी मोल्ट द एनिमल ग्रोज सो एवरी मोल्ट इज कॉल्ड द इंस्टार अब इसका मतलब यह है कि किसी भी एनिमल के अगर सिर्फ लारवल स्टेज को लेते देते हैं उसके हमें बहुत सारे इंस्टार जो है उसमें नजर आएंगे इस अगर किसी एनिमल के निम्फ स्टेज है तो निम्फ के भी क्या होंगे इन स्टार्स जो है मौजूद होंगे सो so, जैसे मॉस्किटोज के अगर हम देखें दे मॉस्किटोज दे आर हैविंग फोर इन स्टार लार्वीज उसके अंदर जो फोर इन स्टार्स हैं फोर इन स्टार के बाद जो लार्वी है वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है सिमिलरली इन केस ऑफ बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज दे आर हैविंग फाइव इन स्टार्स बटरफ्लाइज के पास फाइव इन स्टार्स हैं यानी उसका जो लार्वी है वो स्मॉल जो पहली सब स्टेज एग से जब निकलेगा उसको कहेंगे फर्स्ट इन स्टार है उसके बाद थोड़ा सा ग्रो करेगा दैट विल बी सेकेंड इन स्टार अगले दिन वो मजीद ग्रो करेगा इट विल बी थर्ड इन स्टार तो फोर्थ फिफ्थ इस वो ओवरऑल जो है वो ये जो होते हैं वो जैसे जैसे बढ़ता होता जाएगा उसके मोल्ड्स जो होते हैं या इन स्टार जो होते हैं वो तो जो बटरफ्लाई है इसमें टोटल फाइव इंस्टार्स हैं फाइव इंस्टार के बाद बटरफ्लाई का जो लार्वी है इट इज़ द प्यूपा सो वट इज द एडवांटेज ऑफ मेटामॉर्फोसिस अब जैसे इन्वर्टिव के बहुत सारे फाइल के अंदर जो है वो मेटामॉर्फोसिस होती है वाट इज इट्स एडवांटेज इसका जो पहला एडवांटेज है वो ये कि आमतौर पर जो एग है इट इज़ हैविंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड एग के पास अमाउंट ऑफ फूड थोड़ी कम होती है तो फिर क्या होता है कि एनिमल मेटामॉर्फोसिस एक पास होता है मेटामॉर्फोसिस के दौरान डेवलपमेंट भी हो रही होती है और साथ एनिमल फीड भी कर रहा होता है जैसे लार्विल स्टेज है लारवी फीड्स लार्वी इन्वायरमेंट से फूड भी लेता है अब उसको एग वाले फूड पर इसार नहीं करना पड़ रहा तो इससे वो फूड भी ले रहा है और साथ उसकी डेवलपमेंट भी प्रोसीड हो रही होती है तो वन बेनिफिट इज दैट ड्यू टू मैटामॉर्फोसिस द एनिमल विद स्मॉल अमाउंट ऑफ योक इन देयर एग दे कैन कम्पलीट विद देर कैन कम्पलीट देयर डिवेलपमेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ मेटामॉर्फोसिस दैट इट इज यू सी द कंपिटिशन बिटवीन अडल्ट एंड द जुविनाइल स्टेज के जो लारवल स्टेज है उसके और अडल्ट स्टेज के दरम्यान ये क्या करता है जो कंपिटिशन है फूड का वो कम करता है रिसोर्स का कम्पिटिशन कम करेगा फॉर एग्जाम्पल जो द लार्वी ऑफ फ्रॉग इट इड्स बेसिकली द एल जी तो ये क्या करेगी एल जी को फीड करता है ये जहाँ पे जो अडल्ट फ्रॉग्स हैं दे आर इन्सेक्टिवोर्स वो इंसेक्ट को खाते हैं जिससे डिफरेंट फूड जब न्यूट्रिशन का पैटर्न होगा तो उसे क्या होगा लार्वी और अडल्ट के दरमियान कंपिटिशन नहीं होगा तो वाट इ द डिसडवाटेज ऑफ मेटामोफोसिस मेटामॉर्फोसिस के डिसडवान्टज में अगर हम देखें एक जो डिसएडवांटेज ये है कि ड्यूरिंग मेटामॉर्फस द एनिमल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम अपने ज़िंदगी का ज़्यादा टाइम जो होता वो उनके मेटामॉर्फोस के स्टेज़ को क्रॉस करते हुए गुजर जाता है जबकि अडल्ट हु के लिए उनको टाइम बहुत शॉर्ट मिलता है दैट्स वाई देर अडल्ट लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट अडल्ट जो लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है जबकि जो नार्मल स्टेज होती है वो बहुत बड़ी होती है लॉन्ग होती है इस तरह से जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर एक फूड पुअर इन्वायरमेंट मौजूद है फूड पुअर इन्वायरमेंट के अंदर इट इज़ पॉसिबल कि जो लार्वी है उसके लिए फूड अवेलेबल ही ना हो तो इस केस में जो कि जो अडल्ट है उसका फूड पैटर्न डिफरेंट है वो तो जो उसको अपने इन्वायरमेंट से फूड मिलता चला जाएगा जबकि जो लार्वल हैं लार्वी को माइट पॉसिबल के जो है फूड की शॉर्टेज हो सकती है और वो फूड जो है उसको इस को फेस कर सकते हैं तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ दी दार मेटामॉर्फोसिस मेटामॉफोसिस में अगर हम देखें वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट हारमोनस हैं इन वर्टिब्लेट्स के अंदर डिफरेंट हारमोनस हैं वर्टिब्रेट्स में जो प्राइम ग्रुप है जो मेटामोस करता है दे आर द एम्फीबियंस इन एम्फीबियंस द मेटाम हारमोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द थायराइड हारमोनस तो दो थायराइड हारमोनस हैं दे आर रिस्पॉसिबल फॉर द मेटामारफोसिस आपको होता है थायरॉय से दो हारमोनस रिलीज होते हैं मेनली ट्राई आइडो थायरोनिन एंड टाइट्राइडो थायरोनिन जैसे ये थायरॉक्सन जो हैं ये बेसिकली क्या है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी द इन द इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स इन केस ऑफ इन वर्टिब्रेड द हारमोन इज एक्डाइसोन एक्डाइसोन हारमोन जो है ये क्या करेगा इट इज रिस्पॉन्सिबल सो एक्डाइसोन हारमोन जो है इट इज एक्चुअली रिलीज बाई द प्रोथ्रेसिक ग्लैंड प्रोथ्रेसिक ग्लैंड थोरेसिक ग्लैंड हैं जहाँ से क्या होगा कि रिलीज होगा अब प्रोथ्रेसिक थोरेसिक हारमोन जो है ये बेसिकली स्टिमुलेट होता है बाय द ट्रॉपिक हारमोन तो प्रोथ्रेसिको ट्रॉपिक हारमोन इसको स्टिमुलेट करेगा थोरेसिक हारमोन जो ग्लैंड है फिर क्या करेगा ये एक्डाइसोन हारमोन को रिलीज करेगा देन एक्टाइसोन फिर आगे क्या करके मेटामार्फोसिस को स्टार्ट करवाएगा देर इज अनदर हारमोन इन द इज कॉल्ड जुविनाइल हारमोन जुविनाल हारमोन वर्क्स विद द एक्डाइसोन अब अगर एनिमल लार्वल स्टेज के ऊपर ही रहना चाहता है तो फिर ज़रूरी है कि उसके साथ अंदर एक्डाइसोन के साथ साथ जुवीनाइल हारमोन भी प्रोड्यूस हो जुविनाइल हारमोन जो लार्वी है उसको प्यूपा में कन्वर्ट नहीं होने देता है लेकिन जब फाइनल स्टेज आ जाएगी जब लार्वी ना प्यूपा में कन्वर्ट होना होगा तो जुवीनाइल हार्मोन की स्क्रीशन बंद हो जाएगी जिसकी वजह यह होगा कि अकेला एक्डाइसोन हारमोन वर्क और एक्डाइसोन हारमोन के वर्क करने की वजह से दिप लार्वी इट इज कन्वर्ट इन टू द प्यपास्टेज तो इस तरह से जो है प्यपा स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी मेटामोरफोसिस की दो बड़ी टाइप्स हैं द वन इज द कंप्लीट मेटामोरफोसिस एंड अदर वन इज द इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस